Hello, today in this video I will discuss about the reactivity series of metals. बहुत से लोग होते हैं जिनको ये reactivity series जो है याद करने में बहुत सारी problems मतलब आती है, क्योंकि इसको याद करने के बाद सब भूल जाते हैं. और क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हम लोग रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उस समय कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा, कौन सा मेटल रिमूव हो जाएगा, कौन सा आके डिस्प्लेस करता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है. तो उसको आज क्लियर करेंगे इस वीडियोज़ में. तो यहाँ पर मैंने हाफ जो है हाइड्रोजन तक का जो भी सीरीज़ बनता है रिएक्टिविटी सीरीज़, मैंने उसको लिया. इसको एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे कितने सारे हैं मेटल्स हैं, और ये मेटल कौन से हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है. ठीक है, जो भी क्या है हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब ये हाइड्रोजन को डिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कहीं ना कहीं ज़्यादा है. और इसके नीचे वाले जितने भी थे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब उनका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है. हाइड्रोजन हम लोग एकदम मिडिल पर लेते हैं, उसके ऊपर वाला हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला कौन है. तो सबसे पहले नंबर पर आता है कौन, पोटेशियम. ठीक है, पहले हम लोग देख लेते कौन कौन है. पोटेशियम आता है. सेकंड नंबर पे क्या आता है, सोडियम आता है. थर्ड नंबर पे कैल्शियम. फोर्थ नंबर पे मैग्नीशियम. फिफ्थ नंबर पे एल्यूमिनियम. सिक्स्थ नंबर पे जिंक. सेवन्थ पे आयरन. एट्थ पे टीन. नाइन्थ पे लेड. और टेंथ पे हाइड्रोजन. बस 10 हम लोग को याद करना है, एग्जैक्टली 9 ही याद करना है. हाइड्रोजन को तो हम लोग जान ही सकते हैं कि हाँ ये मिडिल पे हैं. तो पूरे का पूरा जो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये सीरीज़ में, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कौन है, पोटेशियम. मतलब वो उसके पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो किसी और को किसी को भी डिस्प्लेस कर सके. तो ये पोटेशियम हो गया. ठीक, उसके बाद उसके नीचे, उसके ऊपर जो पीरियोडिक टेबल में आता है नहीं सोडियम, वो यहाँ पर उसके ठीक नीचे में आता है. तो ये सोडियम हो गया. तो यहाँ पर मैंने क्या है कि ये ट्रिक्स हमेशा सबको याद नहीं रहता है, तो पहले मैं कुछ बेसिक सा चीज़ बता देता हूँ जिससे ये लंबे समय तक याद रहे. तो हम लोग जब पीरियडिक टेबल देखते हैं तो पीरियडिक टेबल का जो शुरू वाला जो दो ग्रुप होता है ना, उसमें मैक्सिमम रिएक्टिविटी वाला ग्रुप पाया जाता है. ठीक है, ये दो ग्रुप. तो ये जो पहला वाला जो दिख रहा है इसमें क्या आता है, सोडियम होता है एंड पोटेशियम होता है. पोटेशियम थोड़ा नीचे में होता है इसलिए इसका रिएक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है. सोडियम ठीक उसके एक ऊपर होता है इसलिए पोटेशियम से उसका थोड़ा कम होता है. तो पोटेशियम पहले रखना है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है. ठीक, उसके एक घर बाद जाएंगे तो क्या आता है, कैल्शियम आता है जो कि पोटेशियम का ठीक बाद होता है, तो कैल्शियम होगा. ठीक, सोडियम के बाद इधर में इस ग्रुप में जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे लेफ्ट में, तो क्या होता है, सोडियम के ठीक बराबर वाला जगह में मैग्नीशियम होता है. इस तरह से चार याद हो गए. तो पहला क्या होगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा है. ठीक, उसके ऊपर जाएंगे सोडियम, फिर पोटेशियम के बगल वाला में जाएंगे तो कैल्शियम, फिर कैल्शियम के ऊपर जाएंगे तो मैग्नीशियम हो गया. ठीक, अब थर्ड वाला ग्रुप में जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, एल्यूमिनियम. ठीक, मैग्नीशियम के बाद में क्या मिलता है, एल्यूमिनियम. हम लोग यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम के बाद वाला क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसके बाद वो ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट हो जाता है जो कि इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता है. इसलिए यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम के ठीक बराबर वाला बाद वाला लेते हैं, दैट इज कैल्शियम. कुछ इस तरह से सजा होता है. पोटेशियम यहाँ पर हो जाता है. ठीक, उसके नीचे होता है कैल्शियम. ठीक, इसके बगल में होता है पोटेशियम, गलत हो गया, पोटेशियम होता है. उसके ठीक ऊपर में होता है सोडियम, यहाँ पर ठीक होता है, इसके बाद कैल्शियम. ठीक, उसके बगल में होता है मैग्नीशियम. ठीक, उसके बगल में होता है एल्यूमिनियम, लेकिन इसके नीचे में जो चीज़ है वो ट्रांजिशन मेटल हो जाता है. ठीक है, स्कैंडियम जिसको बोलते हैं. तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं कर पाता, इसलिए इसको हटा देते हैं. हटाने के बाद हम लोग के पास क्या बैठता है, पहला नंबर पर वन ये हो गया, दो नंबर पर सोडियम हो गया, तीन नंबर पे कैल्शियम हो गया, फिर उसको ऊपर जाएंगे चौथा नंबर पे मैग्नीशियम हो गया, पांचवें नंबर में तो ये नहीं है इसलिए पांचवें नंबर पे एल्युमिनियम आ गया. पांच यही याद हो गया, हो गया कि नहीं, पांच यही याद हो गया. अब उसके बाद जिंक का आता है. ये ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं आते हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल के सीरीज़ में ही पड़ता है. ठीक है, क्योंकि इसका फुलफिल है इसलिए हम लोग उसको नहीं बोलते. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा जिसका 30 होता है. ठीक, उसके हम लोग चार घर पीछे जाएंगे तो आयरन आ जाता है. तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा, जिंक का है. जिंक क्या करता है, आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, मतलब अगर हम FeSO4 के साथ ZN का रिएक्ट करें तो क्या होगा, ZnSO4 हो जाएगा, Fe बाहर निकल जाएगा. ठीक, उसके बाद टीन आ जाता है, फिर लेड आ जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है. अब स्ट्रिक्स को याद रखते हैं क्योंकि ये पहले हम लोग कोशिश करेंगे उस तरीके से याद करने का जो पहला मेथड था. अगर नहीं होता है, भूल जाते हैं इन्हीं के, तब हम लोग को ये ट्रिक्स याद रखना होगा, जिसका नाम क्या है, केदारनाथ.
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकड़ता है। तो केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकड़ता है। तो केदार से क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, जबकि नाथ से सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम से सीए से कैल्शियम हो जाएगा, MaL माली से मैग्नीशियम हो जाएगा, आलू से एलुमिनियम हो गया, जरा से जिंक हो गया, फीके से आयरन हो गया, से सटीन हो गया, पकड़ा से पीबी लेड हो गया, एंड से हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा हाफ सीरीज जो है आप याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ट्रिक्स के या निमोनिक्स के तो ज़रूर कमेंट करें। आई विल अपलोड दिस वीडियो।